हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट की फाइनल आंसर की के बारे में बात करेंगे और जिन प्रश्नों में परिवर्तन किया गया उसको भी देख लेंगे। दो प्रश्न हैं जिसमें चेंजेज किए गए हैं, जो मैं पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था। अब इसमें देखिए, ये जो फाइनल आंसर की आई है और प्रोविजनल आंसर की, तो फाइनल आंसर की ये आपको एनटीए नेट की ही वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। तो वहाँ पे लगभग 84 यानी जितने भी विषयों की परीक्षाएं आयोजित कराई गई थी, सभी विषयों का एक ही बार में फाइनल आंसर की उसमें अपलोडेड है। और जो भी आपका सब्जेक्ट है वहाँ से जाके आप सब्जेक्ट का जो नंबर है, जैसे सब्जेक्ट का कोड यहाँ पे 80 है ज्योग्राफी का, तो उसमें सर्च करके या चेक करके आप देख सकते हैं टोटल जो 84 पेजेस में है, 84 पेजेस में यानी 84 सब्जेक्ट में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। ठीक, आइए भूगोल वाला हम लोग आंसर की देख रहे हैं, फाइनल आंसर की। तो भूगोल में जो भी है प्रोविजनल में सेम वही है। ठीक, और कुछ लोगों के इशूज ये आ रहे थे कि कैसे इसमें मिलाया जाए या इस तरह से, तो काफ़ी लोगों ने मिला लिया होगा। और पेपर जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया था तो पेपर साइट से हटा दिया गया, जल्दी ये अपलोड कर दिया जाएगा रिजल्ट देने के बाद। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसके प्रश्न जो है अवेलेबल कराने के लिए। ठीक, और इसका पीडीएफ की लिंक जो है यहाँ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यदि आप देखिए, यहाँ पर विजुअल आर्ट के हैं या किसी भी सब्जेक्ट के, विमेन स्टडीज हो गया, जैसे जैसे इसमें आप देखेंगे पूरा टोटल 84 सब्जेक्ट्स का यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक, तो ज्योग्राफी के अगर स्टूडेंट आप हैं, यदि आपने फाइनल आंसर की नहीं मिलाया है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आइए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, तो इसका भी यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आप मिला सकते हैं। ठीक, और टोटल मिलाने के बाद यहाँ पर देखिए दो ही प्रश्न ऐसे हैं जिसमें चेंजेज किए गए हैं। एक का ये क्वेश्चन आईडी है और इसमें तीन ऑप्शन सही किए गए हैं। ठीक, 29, 30, 31, जबकि पहले क्या दिया गया था, लास्ट में जो आपका ये 732 था उसी को आंसर माना गया था। ठीक, ये प्रश्न आपका ई कॉमर्स वाला है, सॉरी ई गवर्नेंस वाला है। ठीक, और एक प्रश्न यहाँ पर है, इसमें दो आंसर सही दिए गए, ये आपका पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्न था। तो दो प्रश्नों में चेंजेज हुए हैं। ठीक, तो मेरिट का यानी जो कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया गया था तो वो आपको अपलोड कर दिया गया है, आप यहां से जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ है इसका रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 2 से 3 दिन में रिजल्ट भी आपका अवेलेबल हो जाएगा। ठीक, तो इससे पता चल जाएगा। और यहां पे यदि आपके जिन लोगों के भी 1 से 2 प्रश्नों में ये कन्फ्यूज़न रहा हो तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं। अब हम आपको प्रश्नों के लिए चलते हैं, वहाँ से आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक प्रश्न ये था कि निम्न में से सही कथन कौन सा है। तो प्रश्न एक था कि बर्फ़ से ढके हुए आर्कटिक क्षेत्र में माध्यमिक पारिस्थितिकी उत्पादकता पाई जाती है, तो ये नहीं पाई जाती है। पारिस्थितिकी उत्पादकता के मुकाबले मरुस्थली क्षेत्रों के लिए तापमान प्रतिबंधी कारक है, ये सही है। ठीक, ये आपका और जो प्रोविजनल की था उसमें सही दिया गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, पारिस्थितिक की स्थापना प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की प्राथमिकता उत्पादकता यानी प्राथमिक उत्पादकता सौर विकिरण की मात्रा पर अधिक निर्भर करती है। प्राथमिक उत्पादकता मतलब कि जो आपका उत्पादक होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, तो इसकी बात की जा रही है कि ये सौर विकिरण यानी सौर ऊर्जा पर ही निर्भर करते हैं, तो बात सही है, क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन बनाते हैं। ठीक, और नेक्स्ट जो दिया था, तो इसमें तीसरा ऑप्शन भी जो फाइनल आंसर की में, ये तीसरा भी सही किया और दूसरा भी, यानी दो ऑप्शन ये राइट किया। यदि जिन लोगों के भी दोनों ऑप्शन में कोई भी आपने टिक किया हो, दूसरा तीसरा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और चौथे की बात करें, इसमें दिया तृणभक्षी पशु द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं, ये नहीं है। ये जैसे कि जो तृणभक्षी यानी कि तृण यानी जो आपका घास फूस खाते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक, सेकेंडरी वाले जो उनको खाते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रश्न था उसमें क्या बदलाव किया गया, देखिए ये हमने आपको पहले ही बताया था ई गवर्नेंस के बारे में कि ई गवर्नेंस में कौन सा सही है, और हमने विकिपीडिया का एक वो भी अपलोड कर दिया था, आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाया था कि ई गवर्नेंस क्या है, जबकि पहली बार जो आंसर दिया गया था प्रोविजनल से ये फोर्थ वाला राइट दिया गया था, यानी ई कॉमर्स अनुप्रयोग में जनता का विश्वास सुनिश्चित करना होता है, जबकि ये रॉन्ग है।
तीनों ऑप्शन आपकी बार सही दिया कि नागरिकों को भागीदार सक्षम और सशक्त बनाना भी ई गवर्नेंस के अंतर्गत आएगा, नागरिकों को उचित और पक्षपात रहित सेवाएं प्रदान करना भी ई गवर्नेंस यानी कि ई प्रशासन, ठीक, प्रौद्योगिकी चालित प्रशासन देना ये भी आपका ई गवर्नेंस का ही पार्ट है। ठीक, तो ये आपका तीनों प्रश्न यहाँ पे, तीनों में से जो भी आपने लगाया होगा ये आपका राइट है। तो इसका जो आंसर या आपको आंसर की अगर देखना होगा तो इसमें हम इसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो आप NTA गूगल करिएगा, उसके बाद डायरेक्ट वहाँ पे आपको NTA की साइट पे जाने पे लेफ्ट साइड में जो उसमें कॉलम बना है उसमें आप देखेंगे तो सबसे ऊपर लिखा है कि फाइनल आंसर की दिसंबर 2019। थैंक्स फॉर वॉचिंग।